विनय मिश्रा जी, अब इसमें आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है पहलवानों के धरने के सहारे, सीधा आरोप लग रहा है। अगर कोई मदद पहुंचानी है तो वो परमिशन के साथ ही पहुंचाई जाएगी, आप बेधड़क ऐसे नहीं घुस सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है। देखिए, मैं पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ, बार बार ये सिक्योरिटी का मसला उठ रहा है, क्या सोमनाथ भारती जी गुंडे हैं? क्या सोमनाथ भारती जी बदमाश है? एक चुने हुए प्रतिनिधि है, और रात को, जब कल पूरे दिन आपने देखा दिल्ली में पूरे दिन बारिश हुई, अगर किसी का बिस्तर भीग गया और उन्होंने अगर वहां बिस्तर देने की बात की, उसमें कहां गलत बात कही? दिल्ली पुलिस अगर थोड़ी सी भी सोचती तो वो देती बिस्तर, लेकिन दिल्ली पुलिस, ठीक बात है राव साहब कह रहे हैं दिल्ली पुलिस का ये ड्यूटी नहीं है, अगर दिल्ली पुलिस की ड्यूटी नहीं तो कम से कम जो बेड लेके आप उसको फ्रिस्क कर लेते, उसको चेक कर लेते, खुद भी सोचना चाहिए दिल्ली पुलिस को, पूरे दिन बारिश हुई है, अगर वहां गीले बिस्तर गीले हैं तो ये किस पे सोएंगे? तो दिल्ली पुलिस खुद चेक करके वो बिस्तर दे देती, ये बिना बात पे, ये पुलिस की इसमें गलती नहीं है, ये ऊपर से इशारा हो रहा है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा राज ब्रजभूषण जी के पास है जिसकी वजह से वो ब्रजभूषण जी पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? आज पूरा देश शर्मसार है, रात के समय में जिस तरह से हंगामा हुआ, जिन्होंने इस देश के लिए मेडल जीता उनका आप सर फाड़ रहे हैं, वहां जो है लड़कियों के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, और दूसरी बात ये एकदम से इतने पुलिस वाले कहां से आ गए? अगर हम भी रात को जंतर मंतर पे जाते हैं, हम लोग ने भी वहां धरना किया है, कभी एक साथ इतनी पुलिस नहीं होती है कि एकदम जो है सिक्योरिटी का मसला हो जाता है, 1000 पुलिस वाले आते हैं, ये पहले से इनकी मंशा खराब थी, पहले से इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, और वहां इतनी सारी पुलिस फोर्स उन्होंने लगा दी। और दूसरी बात, जो वहां पे पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे थे उनको किसने इतना राइट दिया कि वो हर किसी से वहां बदतमीजी करे, हर किसी से बदमाशी करे? स्वाति मालीवाल महिला आयोग की अध्यक्ष, एक महिला आयोग की अध्यक्ष है जिन्होंने महिलाओं के लिए हर समय आवाज उठाया, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। दीपेंद्र हुड्डा सांसद है, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। सौरभ भारद्वाज दिल्ली के मंत्री है, उसको आपने उठा के बंद कर दिया। सिक्योरिटी की बात ठीक है, अगर आप कोई गुंडे बदमाश आए आप सिक्योरिटी दीजिए, लेकिन कोई चुनाव हुआ प्रतिनिधि है तो लश्कर के साथ जाने की क्या जरूरत थी? पुलिस से इसमें बात करते हैं आपके, हम ये मदद पहुंचाना चाहते हैं तो मैडम बिस्तर उठाने के लिए का भी एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वहां पर अभी प्राइमरी पुलिस है, पुलिस के ऊपर है जिम्मेदारी। मैम आप पुलिस को देखिए कल पत्रकारों से भी कैसी अभद्रता की, और आप वहां जो डीसीपी तैनात थे किस तरीके से सीना जोरी कर रहे थे कि हाँ मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, आप उनसे पूछिए कि उनको किसने राइट दिया, अगर उसको उनको कोई दिक्कत थी ऊपर अपने अधिकारी से पूछते। तो सीधा सीधा इनको बीजेपी से निर्देश है कि धरने प्रदर्शन को खत्म करना है, लोगों को डरा धमका के किसी तरीके से वहां पहुंचने देना है, लेकिन अब देश डरेगा नहीं, ये बेटियों का सवाल है, बेटियों का आंसू निकला है। अगर आज मैं पूछना चाहता हूँ डीसीपी साहब से या दिल्ली पुलिस से, अगर उनकी बेटी वहां बैठी होती तो क्या वो उनको बिस्तर प्रोवाइड नहीं करते? और अगर उनके प्रोविजन में नहीं है तो क्या वो चेक करा के सिक्योरिटी देख के बिस्तर नहीं दिला सकते थे? ये सरासर ड्रामा है, और सरासर ये बेटियों को डराने के लिए इन्होंने किया है। रात को मैं तो हैरान हूं इतनी पुलिस अचानक कहां से आ गई, जहां रेप होता है, जहां 31 दिसंबर को एक लड़की का 25 किलोमीटर घसीटा गया वहां पुलिस पहुंची नहीं, लेकिन यहाँ जंतर मंतर में एक कमेंट इस पर एलन राव सर से चाहती हूँ। एलन राव सर, पुलिस 1000 पुलिस वाले पहुंचते हैं जल्दी से सर, फिर दो गेस्ट और हैं उनका मैं रुक करूंगी। जी बताए क्या क्वेश्चन है आपका? जो आप प्रवक्ता कह रहे हैं कि इतनी सारी पुलिस कहां से आ गई, बिस्तर चेक करके अंदर जाने दिया जाता, ये सब इशारे पर हो रहा है, दिल्ली पुलिस की अपने अपनी अपनी मर्जी से नहीं कर रही है ये सब? देखिए मैम, ये जो ये इशू है बड़ा सेंसिटिव इशू है, और हमारी दिल्ली दिल्ली के दिल जिसे कहते हैं क्राउन प्लेस और जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन हो रहा है, तो पुलिस की प्राइम ड्यूटी है कि सफिशियंट फोर्स को अलर्ट पे रखे, पता नहीं कब क्या हो जाए तो उसको तुरंत अगर उसको मोबिलाइज किया जाए तो हो सकता है यहाँ कुछ बात हो जाती, तो ऐसी कोई बात को हटाने के लिए पुलिस को वहां प्रेजेंट करना बहुत जरूरी था, तो इसलिए पुलिस अपने हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोर्स रखती है, तो वो ही उन्होंने किया है रात में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुद्दे को राजनीतिकरण क्यों दिया जा रहा है, बस इसको दूर रखा जाए राजनीति से तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये पहलवानों का और सरकार का मामला है या पुलिस का मामला है? ठीक है सर, बस इसी बात से आगे बढ़ाती हूँ डिबेट को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।